मुझे लगता है जितना मैंने कांग्रेस की पॉलिटिक्स को इतने सालों में फॉलो किया है, वायनाड से मुझे लगता है राहुल गांधी को अपनी सीट रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि वायनाड से उनका एक इमोशनल, बिल्कुल एक आउटसाइडर की तरह वो वायनाड पहुंचे और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और वायनाड ने उनको हाथों हाथ लिया, तो एक इमोशनल कनेक्ट जो वायनाड से उनका बन गया है शायद वो इतना आसान नहीं होगा छोड़ना। दूसरा, ये भी गलत होगा किसी के लिए कहना कि वायनाड से वो किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, इतना आसान नहीं है वायनाड से, क्योंकि वहाँ पर इस बार उनके सामने चुनौती थी, सीपीआई लेफ्ट फ्रंट ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था और तब इतनी मार्जिन से जीतना राहुल गांधी के लिए, वो किसी और को खड़ा कर देंगे, जैसे कि कहा जाता है कि मोदी जी तो लैंप पोस्ट को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी बने रहेंगे सांसद। रायबरेली की जहाँ तक बात है तो रायबरेली में अगर वो छोड़ेंगे, ऑब्वियसली अगर वायनाड रखते हैं तो मैं मानती हूँ कि वो रायबरेली छोड़ेंगे, तो रायबरेली से वो किसी भरोसेमंद को उतार सकते हैं, हो सकता है वो प्रियंका भी हो, और रायबरेली में वो अगर प्रियंका को उतारेंगे तो उसका लार्जर पर्सपेक्टिव क्या होगा हमें ये देखना होगा। अभी इमीडिएटली कांग्रेस के सामने चैलेंज क्या है, अपनी स्थिति उत्तर प्रदेश में थोड़ी सुधार लेना, बहुत मजबूत हो जाएंगे और नंबर वन पार्टी हो जाएंगे हम ये नहीं कह सकते हैं, तो थोड़ा सुधार करना उसमें ज़रूरी है और उस सुधार के लिए उनको समाजवादी पार्टी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। उस सहारे के लिए आपस में कंटिन्यूस कंसल्टेशन, आपस में एक दूसरे से बात विचार करना जरूरी होगा, जो मुझे लगता है इस वक्त प्रियंका के साथ अखिलेश यादव का बहुत अच्छा रैपो है। ठीक है, राहुल से भी एक रैपो हमने देखा है, बट राहुल गांधी की सिर्फ यूपी सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, अगर उनको नेता बने रहना है कांग्रेस का तो उनका ऑल इंडिया लेवल का पॉलिटिकल एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। प्रियंका एक बार प्रभारी रह चुकी हैं और अगर प्रियंका को यूपी में वो रखते हैं, अगर रायबरेली से वो चुनाव जीत जाती हैं और यूपी का प्रभार भी उनके पास रहता है, तो आगे चल के उनकी एक जो कि कोऑर्डिनेशन होती है अखिलेश यादव के साथ और जो आगे के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं उसमें बल मिल सकता है, और यूपी में कांग्रेस को अपना पोजीशन सुधारना इम्परेटिव है अगर वो बहुत लार्जर स्केल में नेशनल अपने आप को अल्टरनेटिव की तरह देखती है। तो मुझे लगता है रायबरेली फॉर प्रियंका और राहुल वायनाड रखेंगे और बाकी देश की चिंता करेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।